17 सितंबर 2020 यह वह तारीख है जब संसद में खेती से जुड़े तीन कानूनों को सरकार द्वारा पास किया गया था, जिन कानूनों का किसानों ने विरोध करते हुए उन्हें तीन काले कानून बताए थे। उन कानूनों को लेकर किसानों ने एक बड़ा आंदोलन भी किया था और यह आंदोलन काफी लंबा चला था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए और इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया था। अब एक बार फिर पंजाब में मुआवजा, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और यह आंदोलन लगातार जारी है। अब इस आंदोलन के चलते देश में 80 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 100 से ज्यादा ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। किसानों का कहना है कि बाढ़ और बरसात से फसलों का भारी नुकसान हुआ है। बहुत सारे किसानों की न तो अभी तक गिरदावरी हुई और न ही उन्हें मुआवजा मिला है, और उन्हें जिन्हें मिला भी है वह बहुत कम है। किसान संगठनों का कहना है कि कम से कम प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। साथ ही पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार पंजाब को 50,000 करोड़ रुपए दे। वहीं आपको बता दें कि किसान पंजाब भर में रेलवे लाइनों पर बैठे हुए हैं, जिससे रेलवे ट्रैक जाम हो गए हैं। रेलवे ट्रैक जाम होने के बाद दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़ जैसी कई ट्रेनों के रूट्स पूरी तरह से ठप हो रहे हैं। इससे कई ट्रेनें प्रभावित हो रही है। वहीं बीते दिन किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को 8 घंटे तक जाम रखा था। किसान मोहाली के लालडू में चंडीगढ़ से अंबाला जाने वाले हाईवे पर बैठे थे। इसकी वजह से पुलिस ने कई रूट्स डाइवर्ट किए, लेकिन उसके बाद भी लोग परेशान हुए। कई घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। वहीं प्रधान सुखविंदर सिंह सभरा व जनरल सेक्रेटरी राणा रणवीर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को समराला व फरीदकोट में भी रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ। अब मोर्चों की गिनती 17 से 20 हो गई है। वहीं संगठनों ने ऐलान किया है कि शनिवार को अंबाला में भी रेल रोको आंदोलन शुरू होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 23-24 अक्टूबर को किसानी दशहरा मनाया जाएगा और इस दौरान पूरे देश में मोदी सरकार व कॉरपोरेट घरानों के पुतले भी जलाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।